अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सातवीं इफ्तारी प्रिपरेशन। सुबह हमने सहरी में खाई है चिकन और रोटी। अभी हम इफ्तारी की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने व्हाइट आटा लिया जिसे हमने 7-8 घंटे के लिए भिगा के रखा था। यहाँ पे हमने हरे व्हाइट आटा लिए, आप चाहे तो सफेद व्हाइट आटा भी ले सकते हैं। डालेंगे पानी और नमक और अच्छी तरह से इस व्हाइट आटे को पका लेंगे। तो यहाँ पे हमारे व्हाइट आटे पक चुके हैं। हाथ से मैश हो जाए तो समझ लेना आपके व्हाइट आटे पक चुके हैं। अभी हमने थोड़ी सी इमली ली है जिसे हमने 10-15 मिनट के लिए भिगा के रखेंगे। यहाँ पे हमने लिया अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया। हमारी तीखी वाली मिर्च है इसलिए हमने थोड़ी सी ली है। इसे हम बिना पानी डाले पीस लेंगे। पे हमने चिकन लिए जिसके हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए। इसमें हमने जो मसाला पीसा है उसे डालेंगे। आधा नींबू निचोड़ेंगे, नमक डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। और आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने रख देंगे। यहाँ पे हमने आलू के पकौड़े बनाने के लिए आधा कप बेसन लिया है जिसमें हम डालेंगे नमक और हल्दी पाउडर। थोड़ी सी चुटकी भर बेकिंग सोडा डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। हमने आलू को भी छील के इस तरह से कट कर लिए। हमारा बेसन का बैटर इस तरह का होना चाहिए। इसमें हम अभी आलू को डिप करेंगे और पका लेंगे। फ्राई करेंगे धीमी आंच पे। एक मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। और दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ पे हमने मिसल बनाने के लिए एक पतीला लिया जिसमें हम ऑयल डालेंगे।
अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। टमाटर डालेंगे, एक मिनट के लिए इसी तरह पका लेंगे। फिर नारियल और हरा धनिया पीसा उसे डालेंगे। लाल मसाला, हल्दी पाउडर और गरम मसाला डालेंगे। मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अभी हम इसके अंदर वाइट वाइन डालेंगे। तली हुए प्याज डालेंगे। उस जार में हमने नारियल को पीसा, उस जार में हमने पानी डाला और वही पानी हमने वाटाने में ऐड किया और थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से पका लेंगे। हम नमक डाल के अच्छी तरह से पका लेंगे। रगड़ा बनाने के लिए हमने पत्ते दिए है, जिसमें हम ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। हल्दी डालेंगे। यहाँ पे हमने आधा कप बेसन लिया है, जिसमें हम पानी डाल के उसका घोल रेडी कर लेंगे। इस घोल को हम हमारे वाटाने के अंदर डालेंगे। वाटाने हमने बॉईल करने डाल के उसका घोल रेडी कर लेंगे। इस घोल को हम हमारे वाटाने के अंदर डालेंगे। वाटाने हमने बॉईल करके रखे, उस वाटाने को हम मसाले में डाल देंगे। गाढ़ा होने तक हिलाते रहेंगे। इसके अंदर हमने थोड़े से बॉइल पोटैटो डाले हैं। जो इमली भिगा के रखी थी उसका पल्प डालेंगे। इसे 4 मिनट के लिए पका लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी सांभर है। रगड़ा भी रेडी हो चुका है। पर हमारा चिकन भी मैरिनेट हो चुका है। दो यहाँ पे हमने 2 अंडे लिए, जिसे हम फेंट लेंगे। पे हम हमारे चिकन को स्टिक्स में भरते जाएंगे।
यहाँ पे हमने सारे चिकन को स्क्वायर्स में भर लिया है। अभी हम इसे अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। अभी हम इसे इस तरह से प्रेस करेंगे। और इसी तरह से सारे गत्ते आ जाएंगे। अभी अंडे में डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। इसे हमें धीमे आंच पे फ्राई कर लेना है। और इस तरह से दोनों साइड से गोल्डन कलर आने के बाद निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी चिकन कांडी भी रेडी हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे लगड़ा भी निकाल लेंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, फ्राई प्याज डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, यहाँ पे मिसल को भी सर्व करेंगे। तो इसे प्याज डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, और फरसान डालेंगे। यहाँ पे हमने लगड़ा और मिसल इसलिए बनाया क्योंकि हमारे घर में किसको मिसल अच्छी लगती है, किसको लगड़ा, इसलिए। यहाँ पे हमने रसना की शरबत बना लिया है। और ये दूसरी वाटरमेलन की भी शरबत बना ली है। इसकी भी रेसिपी हमने आपको डाल दी है। यहाँ पे हमारी सारी चीजें बन चुकी है और सारी चीजें बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही लाजवाब। ये देखिए यहाँ पे हमने बनाया मिसल और लगड़ा, आलू के पकौड़े और चिकन कांडी, रसना शरबत और वाटरमेलन शरबत। आपको इसमें से कौन सी चीज पसंद है आप तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको आज का अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।